असलम फ्रेंड्स, मैं हूं अमजद भट्टी और आप देख रहे हैं टेक्नोटेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉगी कॉइन की कि उसकी जो अमाउंट है वो हम विड्रा करवाएंगे डॉगी चेन में, मतलब कि वो एक ऑनलाइन वॉलेट है जिससे हम दोबारा वहां से अपनी अमाउंट को बिटकॉइन में ट्रांसफ़र करके पैसे कमा सकते हैं, मतलब कि विड्रा लिखवा सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन वॉलेट है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद डॉगी चेन के नाम से एक वेबसाइट ओपन करनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इसे ओपन कर लें। तो अगर आप यहां से सर्च भी करना चाहेंगे तो सर्च भी हो जाएगा। यहां पे डॉगी चेन लिख के सर्च करें, उसके बाद ये आपको पहली ही वेबसाइट मिल जाएगी डॉगी चेन के नाम से। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक ऑनलाइन वॉलेट है। तो इसे सिंपली आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पर इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे ये ब्लॉकिंग चेन, जिन लोगों ने इसमें अपना अकाउंट बनाया हुआ है ये उनकी कुछ डिटेल्स हैं। ये नीचे उन ब्लॉक चेन की आ रही है जिन्होंने अपनी ट्रांजेक्शन इसमें की हैं और अकाउंट अभी ओपन किए हैं, और इसके नीचे ये लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है जिन्होंने अपनी अमाउंट डॉगी चेन में ट्रांसफ़र करवाई हैं। तो ये उनकी डिटेल्स हैं और ये रिफ़्रेश हो ही जा रही हैं, और मतलब कि अभी इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है इस वेबसाइट का। तो सिंपली हम ऊपर जाते हैं और अपने डॉगी चेन वॉलेट पे क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये तीन ऑप्शंस होंगी, न्यू वॉलेट, एग्जिस्ट वॉलेट। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करेंगे, और अभी मैं आपको क्रिएट वॉलेट पहले बता दूं कि इस पर क्रिएट किस तरह होता है। तो सिंपली क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जीमेल का एक आईडी देना है, ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। तो ये मैंने एक जीमेल एग्ज़ाम्पल के तौर पे टाइप कर दिया है। तो नीचे आप कोई भी अपना एक यूनिक सा पासवर्ड रख लें और इसी पासवर्ड को नीचे दोबारा टाइप कर दें और क्रिएट वॉलेट कर दें। तो मेरा अकाउंट बना है तो मैं सिंपली लॉगिन करता हूँ, इसे कैंसिल करके मैं अपने एग्जिस्ट वॉलेट मतलब कि लॉगिन करता हूँ इसे। और ये जब वो क्रिएट करेंगे तो आपको एक वॉलेट आईडी पहले से ही दे दी जाएगी। तो वो सिंपली यहाँ पे पहले से ही है आईडी, यहाँ पे आपने सिंपली पासवर्ड टाइप करना है। तो मैं पासवर्ड अपना टाइप कर लेता हूँ और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये यहाँ पे कुछ इनकी डिटेल्स हैं, पेपर वॉलेट मतलब कि जिस तरह के जैस कैश की हार्ड कॉपी में वो बारकोड स्कैन करके अमाउंट अपनी चेकआउट करवाते हैं, तो ये इस तरह का कुछ है। और यहाँ पे टोटल रिसीविंग, सेंट और फाइनल बैलेंस इनकी ट्रांजेक्शन। ये अभी मेरा अकाउंट नया है तो इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये नीचे आपका वॉलेट आई डी है, क्योंकि जैसे मैंने अपनी डॉगी कॉइन वाली वेबसाइट में आपको बताया था कि इधर आपने वो अपना अकाउंट देना था वॉलेट आईडी, तो उसमें यही आईडी ही यूज़ होती है। तो इसके बाद ये सेंड में ट्रांजैक्शन अभी मेरी कोई नहीं हुई। सेंड में आपने यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, अमाउंट और सेंड कर देनी है, और ये आपका ईमेल एड्रेस है मतलब वॉलेट आईडी, कि आपने जब भी अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने है मतलब कि कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो आप ये आईडी ही देंगे। ये मेरी वॉलेट आईडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।